अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन बैश बाय अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब बहुत हैरियत से होंगे और सबके पेरेंट्स भी हैरियत से होंगे। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे तंदरुस्ती के साथ, आमीन जी। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक अरहम की फरमाइश पे। उसको मेरे हाथ का ये चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा बना तो रही हूँ तो क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। मीन्स ये इतना सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला केक है कि आप अपने घर में बना सकते हैं, ट्राई मतलब कर सकते हैं, और वो भी मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ इस टाइम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप मैदा ले लिया और उसको मैं तीन बार छान रही हूँ, ठीक है। इस तरह तीन बार मैंने छान लिया। ये देखने में तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेप है, लेकिन इस स्टेप के करने की वजह से केक जो है वो बड़ा फ्लफ़ी बनता है और उसका टेक्सचर जो होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैदा जो है छानने की वजह से लाइट हो जाता है और उसमें कोई लम्स वगैरह रहता नहीं है। इसको छान के मैं रख लेती हूँ साइड पे, और उसके बाद ये जो है ये डार्क चॉकलेट है, इसको मैं माइक्रोवेव में सिंपली बस माइक्रोवेव कर लूँगी, मेल्ट कर लूँगी। इसको कोई डबल बॉयलर पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो मैंने ले लिए हैं दो अंडे जो हैं उनको मैंने थोड़ा सा हैंड विस्क के साथ लाइट सा बीट कर लिया। ये वाले केक में कोई मतलब ये नहीं कि आप बीटर निकाल लें और अपनी मशीनें निकाल लें और इस तरह करें, बस सिंपल सा झटपट अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की तो बस आप ये जल्दी से बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया इसके अंदर आधा कप जो है वो ऑयल ले लिया और आधा कप भी इसमें ले लिया है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर होती सिंपल चीनी ही है, लेकिन जो इसका दाना है वो ज़रा बारीक होता है। सिंपल चीनी जो होती है जो हम घर में यूज़ करते हैं वो थोड़ी मोटी होती है, यूज़ वो भी हो जाती है। ये अरहम भी आ गए हैं हेल्प करवाने के लिए कि मैं भी हेल्प करवाता हूँ, तो घर की चीनी को ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जी तो अरहम जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई है और शुगर और ऑयल को काफ़ी देर बीट करते रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए हैं। अगर इलेक्ट्रिक बीटर होता तो ज़ाहिर है 2 मिनट का काम था। इसके बाद अंडा डालने हैं, दो जो अंडे हैं, और बस आपने इतना सा बीट कर लेना है कि अच्छा सा वो जो मिक्सचर है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, चीनी का कोई दाना ज़्यादा रहे ना। और ये जो मैदा मैंने तीन बार छान के रखा है उसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर लूँगी। ये वाला स्टेप जो है वो आप जिस टाइम तीन बार छान रहे होते हैं उस टाइम भी मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई इतना खास इशू नहीं है। बस मैं इसके बाद ऐसे स्पून से इसको कर लेती हूँ मिक्स। जी जैसे ऑयल शुगर और अंडे वाला मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा तो जो मेल्टेड चॉकलेट है हाफ कप जो है ये जो है मैं इसमें ऐड करके तो अगेन मिक्स कर लूँगी। मैंने क्या किया कि इसमें 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने वनीला एसेंस ऐड कर लिया, मतलब अंडे की स्मेल को थोड़ा सा वो दूर कर देता है। और उसके साथ ही मैंने अपना कर लिया मोल्ड को ग्रीस कर लिया, और ये जो मैदा है इसको 2 टेबल स्पून करके थोड़ा थोड़ा करके डाल के स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इस टाइम आपने कोई बीटर या अगर आप घर में बना रहे हैं तो ना चलाएं, क्योंकि इससे केक आपका सॉफ्ट बनेगा नहीं अगर आप इस स्टेज पर बीटर चला देते हैं। तो जो मैंने चॉकलेट यूज़ की है ना इसमें वो है ये क्रेव की डार्क चॉकलेट, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वाले केक में। इसकी प्राइस मैं चेक करी थी कि शायद यहाँ पे पीछे कहीं मेंशन हो तो मुझे वो ना मिली नहीं। इसकी प्राइस इतना कोई मेरा हाल है 300-400 रुपीज़ का हाफ के जी है आई थिंक, सो इसी तरह से ही है। और केक जब बन जाएगा तो इसके ऊपर जो कोटिंग मैं करूँगी वो न्यूट्रेला की, और इसका इतना मज़े का टेस्ट होता है क्योंकि ये मैं हॉट ही केक सर्व करती हूँ, उसके ऊपर न्यूट्रेला और बच्चों मीन्स के अरहम का तो ये फेवरेट एक चीज़ है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि ये देख लें, इसका कलर भी आप चेक कर लें और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें
के ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है। ये अगर इसकी कंसिस्टेंसी है तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है इसको मैंने मोल्ड में डाल दिया और इसके साथ ही थोड़े से क्यूब्स थे चॉकलेट के वो भी मैंने इसमें डाल के, और ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने इसको टैप करना है 2 से 3 दफ़ा ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ज़रूर याद रखना चाहिए। केक बेकिंग बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ये जो स्टेप्स होते हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लें कि ये एक पतीला मैंने ले लिया, इसमें कुछ कुछ लोग नीचे स्टोन भी कर लेते हैं, स्टोन डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं। नमक पहले मैं भी नमक डाला करती थी नीचे, लेकिन फिर मैंने टाइम के साथ साथ ये नोट किया कि नमक का जो एक अरोमा और वो जो एक टेस्ट सा होता है वो आपकी बेकिंग में भी वो एक थोड़ा सा उसका खुशबू सी आना शुरू हो जाती है, तो जो कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो फिर बस मुझे यही आइडिया आया कि किसी दिन मैं क्यों ना ये ट्राई करूँ कि नमक के बिल्कुल किसी भी चीज़ के बगैर, तो वो इतनी मज़े की बिल्कुल इजीली बेकिंग हो जाती है। तो ये जो है ना, ये मैंने खोया कुल्फ़ी बनाई है। कुल्फ़ी के मोल्ड्स नहीं थे मेरे पास, ये आइस क्यूब ट्रे थी इस तरह लंबाई की थोड़ी सी, ये देखें। तो ये अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बिकॉज़ जब मैंने ये बनाया ना उस टाइम मैं शूट नहीं कर सकी हूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। केक को जो है अबाउट 40-45 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं जो है ये इसको ज़रा चेक करती हूँ। तो ये देखें, नाइफ़ जो है ना ये बिल्कुल क्लीन निकली है, दैट्स मीन कि केक जो है वो परफेक्टली जो है ना वो बेक हो चुका है। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। डिश आउट बेसिकली मैं उस तरह नहीं करती हूँ, इसको इसी मोल्ड में ही रहने देती हूँ, बस इसकी साइड्स थोड़ी सी इसको क्लियर कर लेती हूँ कि ये ईज़िली बस निकल जाए इसी मोल्ड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हॉट जो है वो मैं सर्व करती हूँ इसी मोल्ड में। मैं ऊपर नूटीला की कोटिंग करूँगी और फिर हम जो है इसको करेंगे इंजॉय। हॉट चॉकलेट केक जो है वो बिल्कुल रेडी है और बड़ा अच्छा सा बेक हो चुका है, तो हम करते हैं इसको इंजॉय। आपका दिल किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।